सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में चातुर्मास के उपलक्ष्य में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान महाकुंभ में विषयों पर बहुत सुंदर ढंग से अपने धर्म संदेश प्रदान करते जा रहे हैं। आज बारसी दैवर मटकर मठ के तटस्थल ब्रह्म गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी तेलुगु भाषा में वीरशैव धर्म सिद्धांत के बारे में बहुत सुंदर ढंग से अपना धर्म संदेश प्रदान किया है। भारत भूमि अनेक भाषाओं की भूमि है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रांतीय भाषा में सुनना पसंद करता है, इसलिए काशी महापीठ के द्वारा सभी भाषाओं के विद्वानों का संग्रह करके एक एक भाषा के द्वारा भक्तों को धर्म संदेश देने का जो व्यवस्था किया गया है उसमें गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी कन्नड़ भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, तेलुगु तो उनकी मातृभाषा ही है। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भक्तों के लिए पंचाचारों के प्राकट्य के बारे में, उनके द्वारा उपदिष्ट सनातन वीर शैव धर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया है। उनको अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के धर्म सभा में उपस्थित जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थीगण, मठ के समस्त सेवक वर्ग, आए हुए यात्रीगण और माताओं, जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य के द्वारा विरचित पंचविंशति लीला शतकम में हम रोज एक एक चिंतन करते करते आज 23वें लीला पर पहुंच गए। श्रावण मास में अब 2 दिन बचा है तो श्रावण मास पूर्ण होते होते 25 लीलाओं का श्रवण सब लोगों को मिल रहा है। आज की लीला है मृत्युंजय लीला। ये हमारे सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। प्रायः शास्त्रों में जनन और मरण के बारे में चिंतन किया गया है। जनन क्या है, मरण क्या है, और जनन किसका होता है, मरण किसका होता है, इसके बारे में चिंतन किए हैं।
हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के साथ जब पंच प्राणों का जब संबंध हो जाता है, उसी का नाम जनन है। शरीर प्राणों का संबंध हो जाए, शरीर में प्राण का प्रवेश हो जाए, तो कहते हैं जनन। और प्राण शरीर से अलग हो जाए, इसी का नाम मरण है। प्राण का वियोग होना मरण है, प्राण का संयुक्त रहना जन्म है। वैसे देखा जाए, हम लोग माता के गर्भ से जब शिशु का प्रसव होता है, उसको हम लोग जन्म कहते हैं। उसका एक कारण है, जब शिशु माता के गर्भ में रहता है, तब तक उसका स्वतंत्र कुछ श्वासोच्छ्वास नहीं रहता, आहार सेवन भी स्वतंत्र नहीं। माता के द्वारा जो खाया जाता है, जो पिया जाता है, वही उसका रस पहुंचता है, और माता के श्वासोच्छ्वास के द्वारा उसका भी श्वासोच्छ्वास उसका चलता रहता है। वैसे तो माता के गर्भ में प्राण का प्रवेश पहले हुआ है, नहीं तो प्राण नहीं रहता तो शरीर विकसित होता नहीं। शरीर के अवयवों को विकास होने के लिए प्राण की उपस्थिति नितांत जरूर होती है। तो प्राण तो पहले से है, लेकिन प्राण कब प्रवेश हुआ ये हमको मालूम नहीं पड़ता। जब बच्चा जन्म होने के बाद जब उसका श्वासोच्छ्वास स्वतंत्र शुरू हो जाता है, तब उसको हम लोग जन्म शाम से हम बताते हैं। तो मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु वही है, म्रियते अस्मादिति मृत्यु, जिसके द्वारा हम मर जाते हैं, जिसके द्वारा हमारी मृत्यु आ जाते, मरण आ जाते, उसी का नाम मृत्यु है। उसी को मृत्यु मतलब यम, पौराणिक दृष्टि से हम लोग उसको यम कहते हैं। तो मृत्युंजय का क्या अर्थ होता है? मृत्युंजयति इति मृत्युंजयः, जो प्राण हरण करने वाला जो यमदेव है, धर्मराज है, उसके ऊपर विजय पाना, इसका नाम है मृत्युंजय। मृत्यु के ऊपर विजय पाना, इसका नाम मृत्युंजय है। अर्थात प्राण हरण करने नहीं देना, हमारे प्राण का जब हरण करने आता है, उसको हरण करने नहीं देना, तो इसी के ऊपर विजय माना जाता है। लेकिन ये सहसा असंभव है सामान्य जनता के लिए, सब के लिए। भगवान शिव के लिए ठीक है, क्योंकि यम तो काल है, तो वो तो महाकाल है। शास्त्रों में कहा गया है, मृत्युर्यशोपसेचनम। हम लोग जो है, सभी लोग मृत्यु के थाली में बैठे हुए अन्न के समान हैं। जैसे हम लोग खाने के लिए बैठते हैं, हमें जो जो चीज़ चाहिए, खाद्य पदार्थ, सब हम लोग थाले में परोस लेते हैं। वैसे जो प्रसादी भक्त होता है, सभी पदार्थों को एक बार परोस लेता है, बाद में भगवान को नैवेद्य करके एक एक पदार्थ स्वीकार करता है। वैसे जितने भी 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु है, हम सभी लोग कहाँ बैठे हुए हैं? जैसे आप लोग थाले में रोटी, सब्जी, चावल, आचार, पापड़ सब रख करके, दही दूध लेकर के बैठते हैं थाली, बड़ी थाली में,
वैसे सारा जो प्रपंच है मृत्यु की थाली है, उसमें सब पदार्थ रख करके खाना शुरू किया है। खाते खाते वो सब देखता रहता है क्या है, कहाँ क्या है, पापड़ कहाँ है, आचार कहाँ है, दही कहाँ है, वो एक देख करके जो जो चाहिए उसको लेते लेते हम लोग जैसे खाते हैं, वैसे मृत्यु भी सभी जीवों को 84 लाख प्रकार के सभी जीवों को अपने थाली में ले करके बैठा है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? मृत्यु के थाली में ही बैठे हैं। तो किस समय मृत्यु का हाथ हमारे सिर पर आता है ये मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च साधयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। एक सुभाषितकार बताते हैं इस संसार में आए हुए सभी मनुष्यों को ये भावना रखनी है मैं अजर और अमर हूं, मुझे जरा भी नहीं आती, मुझे मृत्यु भी नहीं आई, ये भावना रख करके क्या करना चाहिए? विद्यामर्थंच साधयेत, विद्या और अर्थ का संग्रह करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अरे थोड़ी देर दिन के बाद मुझे मरना है फिर क्या करना, इसे निरुत्साह आ जाएगा तो संसार चलेगा नहीं। ये जो मृत्युलोक है, मृत्युलोक सुंदर होना होगा हम लोगों को मृत्यु को भूल करके, अर्थात मृदे मरण ये आने वाला इसका भान छोड़ करके दो वस्तुओं का संग्रह करना। एक है विद्या का संग्रह करना, निरंतर ज्ञान का संग्रह करो, साथ ही साथ संसार में सुख संसार करने के लिए भरपूर धनार्जन करो, अर्थार्जन करो। तो बाद में बताते हैं गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत, अपने को अजर 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 अमर समझ करके धन और विद्या का संग्रह करो, और किस समय मुझे मृत्यु ले जाता है इसके बाण रख करके मेरे मस्तक पर मृत्यु आ करके बैठा ही है, कब ले जाए मालूम नहीं, इसका भावना करके धर्ममाचरेत। संपादित संपत्ति के द्वारा धर्म का संग्रह करो, क्योंकि जब हमको इस लोक के छोड़ के जाना पड़ता है तो विद्या भी भूल जाते हैं, संपत्ति भी यहीं रह जाते हैं। हमारा किया हुआ जो धर्म है, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, तो धर्म का संग्रह करना चाहिए। इसलिए हम लोग कहाँ बैठे हैं? मृत्यु के थाली में बैठे हैं। कब किसके मस्तक पर यम हाथ रखता है ये मालूम नहीं है। इसके बारे में और बताता है जो सबको ग्रहण करने वाला, सबको मारने वाला जो मृत्यु है, वह भी भगवान शिव के थाले में, वो भी उसका खाद्य पदार्थ बन के बैठा है। एक वचनकार एक वचन कहते हैं कन्नड़ में, ಹಾವಿನ ಬಾಯ ಕಪ್ಪೆ ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಜಿಗಿವಂತೆ, ಜೈಸೆ ಏಕ್ ಸರ್ಪ ಹೈ, ಸರ್ಪ ಏಕ
मेंढक को अपने मुंह में रखा है खाने के लिए, पीछे से पकड़ा है उसको, उसका मुंह बाहर है, खुद जो है मृत्यु के मुख में बैठा है, मेंढक सर्प के मुख में बैठा है, और क्या करता है उसके सामने जो मक्खियाँ उड़ती है उसको खाने के लिए अपना जीव आगे कर रहा है। अर्थात खुद मृत्यु के मुख में बैठा उसको भूल करके दूसरे को मारने के लिए जैसे प्रयत्न करता है, वैसे सबको खाने वाला जो मृत्यु है उसको खाने के लिए भगवान काल काल बैठा हुआ है। तो मृत्यु के ऊपर जय वही कर सकता है जो काल काल है, जो महाकाल है, वही मृत्यु के ऊपर विजय कर सकता है। वैसे भगवान शिव जो है अपने अनेक लीलाओं में अनेक उद्धट राक्षसों का और अनेक विष्णु के अवतारों का संहार करके लोकोद्धार किया था, आज मृत्युंजय लीला भगवान कर रहे हैं। तो उसका प्रसंग इसमें बहुत सारे कथाएं हैं, लेकिन मुख्य कथा है मार्कंडेय जी का। आप सब लोग जानते हैं, कथा सबको मालूम है, बहुत प्राचीन काल में भृगु नामक एक ऋषि था, भृगु, जिन्होंने भृगु संहिता ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा शास्त्र उन्होंने लिखा है। ऐसे जो भगवान भृगु था, उस भृगु का एक पुत्र था, उसका नाम है मृकंडु, मृकंडु भृगु का पुत्र था। मरुद्वती के साथ उसकी शादी हो गई, प्रायः शादी के बाद सबको अपेक्षा होते संतान, अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, उसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वंश वृद्धि के लिए सत्संतान की अपेक्षा होती है। तो मृकंड और मरुद्वती दोनों कई साल बीत गए, संतान नहीं हुआ। दोनों शिवभक्त थे, भगवान शिव की तपश्चर्या करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर के पूछा, तुमको क्या चाहिए? दोनों ने कहा कि हमारा गृहस्थ जीवन सफल होने के लिए एक पुत्र चाहिए। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ऐसे कहते हैं, गृहस्थ होकर के यदि पुत्र नहीं रहेंगे तो उनके गति सदगति नहीं मिलती, इसलिए हमारे सदगति के लिए मुझे एक पुत्र की आवश्यकता, एक पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा, तेरे प्रारब्ध में पुत्र संतान नहीं है, तुमको संतान होने वाला नहीं, लेकिन तुम जो तपश्चर्या करने के कारण प्रारब्ध में नहीं थे इसलिए अभी तक संतान नहीं हुआ, लेकिन तुम केवल प्रारब्ध के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठा, उसके अतिरिक्त प्रयत्न करके संतान के लिए तुमने जो तपश्चर्या किया, तुम्हारे तपश्चर्या के फल स्वरूप तुमको एक संतान मैं दे सकता हूं। इसलिए दो विकल्प है, 100 साल जीने वाला अज्ञानी पुत्र चाहिए, केवल 12 साल जीने वाला ज्ञानी सुज्ञानी पुत्र चाहिए। उन्होंने विचार किया, दोनों में क्या चॉइस क्या लेना होगा। प्रायः प्रत्येक माता पिता ये चिंतन करते हैं,
कि मेरे संतान मेरे से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, मेरे सामने मेरे संतति मर जाए तो पुत्र होकर क्या उपयोग होता है। इसलिए शास्त्र में संतान के बारे में चार बातें कहते हैं। एक होता है अजात पुत्र, दूसरा होता है जात मृत पुत्र, तीसरा होता है मूर्ख पुत्र और चौथा होता है सुपुत्र। ये चार कैटेगरी माना गया। पहला है अजात पुत्र, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो भी एक पुत्र है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ फिर भी दुख देता है, अभी जन्म नहीं हुआ है दुख, वो अजात पुत्र अर्थात पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है करके पुत्र के अभाव स्थिति में पुत्र हमारे नहीं है पर भी हमको दुख देता है, उसको कहते हैं अजात पुत्र। एक उदाहरण देंगे तो आपको मालूम होगा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक गांव में दंपति रहे, कई साल बीत गया संतान नहीं हुआ। एक बार दोनों दंपति बिस्तर पर सोते सोते चर्चा करने लगे, हमारे प्रार्थना सुन करके हमारे अभिलाषा सुन करके हमारे पूजा का प्रसन्न होकर के भगवान यदि हम दोनों के एक संतान देंगे तो उसको कहाँ सुलाना। पत्नी बोली, अरे इतना समझ में नहीं आता तुमको, हम दोनों के आनंद के लिए भगवान यदि हमको एक संतान देता है तो हम दोनों के बीच उसको सुला लेंगे, दोनों को आनंद होगा तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सरकना पड़ेगा, तुम थोड़ा उधर हटो मैं थोड़ा इधर हटता हूँ, थोड़ा जगह लेकर के बीच में बच्चों को सुलाएंगे। पति ने कहा, हमारी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर के जुड़वा बच्चा देंगे तो क्या करेंगे, एक बार दो बच्चा हमको मिल गया तब क्या करेंगे। पत्नी ने कहा, थोड़ा मैं और इधर हटूंगी, तुम भी उधर हटो, बीच में दो लोगों को सुनाएंगे। पति ने कहा, हमको तीन देंगे तो क्या करेंगे, अब तुम उधर आओ हटो मैं इधर हटता हूं। इस प्रकार दोनों सरकते सरकते गए, वो पुत्र के आनंद में मग्न है, एक पुत्र हो गया, दो पुत्र होंगे, तीसरा होगा, थोड़ा उधर सरको थोड़ा इधर सरको करते करते दोनों सरकते सरकते गए, दोनों नीचे गिर गए, पलंग से नीचे गिर गए। एक का पैर की हड्डी टूटा, एक का सिर फूट गया। ये अजात पुत्र है, ये अभी पुत्र आया नहीं, अभी जन्म नहीं लिया। तो पति पत्नी दोनों विचार के, अरे ये तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, अजात पुत्र तेरा टांग तोड़ दिया, मेरा सिर फोड़ दिया, अब पुत्र के बारे में चिंतन करना छोड़ देंगे, ऐसे ही उनका विचार आता है। अर्थात पुत्र नहीं होने के बावजूद भी गृहस्थों को दुख झेलना पड़ता है, अजात पुत्र भी दुखदायी होता है। समझ लीजिए, पुत्र हो गया, जात मृत पुत्र, जन्म हो गया,
थोड़ा दिन रह गया, किसी कारणवश यदि मर जाता है तो उनके माता पिता उनको जीवन भर रुलाता है रहता है, जीवन भर जब जब याद आएगा तब तक वो रोते रहते हैं। इसको कहते हैं जात मृत पुत्र, ये भी दुखदाई है। एक पुत्र है दीर्घजीवी है लेकिन मतिमंद है, खुद का काम कुछ भी नहीं करता, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कपड़ा पहनने को नहीं आता, अपने हाथ से खाने नहीं आता, खुद ठीक से बिठाने पर बैठता भी नहीं, चलना तो मुश्किल है। ऐसे संतान यदि दीर्घजीवी मूर्ख संतान अर्थात मतिमंद संतान अर्थात विकलांग संतान यदि हमारे घर में हो जाते हैं, वो भी जीवन भर माता पिताओं को दुख ही देता है। इस प्रकार अजात पुत्र भी दुखदाई है, जात मृत पुत्र भी दुखदाई है, और जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के जैसे जीने वाला पुत्र भी जो होता है वो भी दुखदाई होता है, लेकिन हमको सुख देने वाला पुत्र सुपुत्र सुलक्षण संपन्न है, आयुष्यवान है, आरोग्यवान है और सुसंस्कार संपन्न यदि पुत्र होगा वही संसार के लिए वंश विकास के लिए उपयोग पड़ता है। तो मृकंड ऋषि ने विचार किया, भगवान के जो दो ऑप्शन बताया उसमें क्या चुनना है, उन्हें सोचा जीवन भर रुलाने वाले मूर्ख पुत्र को लेकर क्या करना है, जितना दिन भी जिए 12 साल ही ठीक है, एक सुज्ञानी पुत्र मुझे दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु आशीर्वाद दिया, भगवान के कृपा आशीर्वाद से उनके घर में एक संतान की प्राप्ति हो गई, उनको मार्कंडेय नामकरण करते हैं। उनको मालूम है केवल 12 साल जीने वाला है, लेकिन 12 साल जीने वाला ऐसा समझ करके उन्होंने निरुत्साह नहीं हुआ, जैसे जैसे बच्चों को जो संस्कार करना चाहिए सब संस्कार करने लगे, जात कर्म संस्कार किया, चौल कर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया, अन्नप्राशन संस्कार किया, उसके बाद उसको दीक्षा दे करके विद्या संस्कार भी दे गुरुकुल में भी भेजा, चारों वेदों का वेदांगों का अध्ययन किया थोड़े समय में, अध्ययन करके अभी 1 साल बाकी था उसका, गुरुकुल से वापस घर आ गया, 11वां साल लग गया, अभी 1 साल उनको बाकी था। तो माता पिता हमेशा हमेशा उदासीन बैठे उन्होंने देखा, मैं इतना अभ्यास करके आया हूं, वेद वेदांगों का मैं ज्ञान करके आया हूं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं, केवल उदास उदास बैठे रहते हैं। एक दिन उन्होंने पूछा माता पिताजी से, आपको इतना उदास होने के क्या कारण है? लेकिन वो माता पिता ने विचार किया, बच्चों को क्या बोलना, हमको मालूम हम दुखी, इनको बोलेंगे ये भी दुखी हो जाएगा, अभी उनको मालूम नहीं करके खुशी से है। बहुत जिद करने के बाद मृकंड महर्षि ने मार्कंडेय से बताया, भगवान शिव ने
आपको केवल 12 साल का आयु दिया है, उसमें 11 साल बीत गए, केवल एक साल बचा हुआ है, इसलिए हम लोग चिंतित हैं। बच्चा तो भगवान की कृपा से जन्मा था, उन्होंने कहा जिन्होंने 12 साल हमको दिया है तो आपके तपश्चर्या करने के फलस्वरूप मुझे 12 साल उम्र दिया है, लेकिन मैं भी खुद तपश्चर्या करता हूँ, उर्वरित आयुष उनसे मैं मांग लेता हूँ। पिताजी का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर के इधर काशी के 30-40 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी को गोमती नदी का एक संगम होता है, जैसे प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, खुद काशी में वरुणा गंगा का संगम है, अस्सी गंगा का संगम है, इसलिए काशी को वाराणसी कहते हैं। काशी के एक स्थान से वरुणा जा करके गंगा से मिलती है, दूसरे स्थान से अस्सी नदी गंगा से मिलते हैं, इसे वरुणा अस्सी नदी के बीच में जो स्थान है उसको वाराणसी कहा जाता है। उसी प्रकार गोमती नदी गंगा में मिलती है, गोमती गंगा संगम एक स्थान है। तो मार्कंडेय महर्षि वहां गए, गोमती गंगा नदी के संगम पर गए, वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और वहां बैठ करके उन्होंने भगवान शिव को ध्यान करते हुए एक मंत्र का आविष्कार किया। औषध ऋषि है, मंत्र का ऋषि, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। हम लोग जो मृत्युंजय मंत्र जो बोलते हैं, उस मृत्युंजय मंत्र का सबसे पहला दृष्टा जो है मार्कंडेय ऋषि है। उन्होंने उसी मंत्र का जप करना शुरू किया। मार्कंडेय के मृत्यु के अभी 3 दिन बाकी था। निरंतर निराहार होकर के, निर्जल होकर के भगवान के सानिध्य में बैठ करके, उनके पास ही बैठ करके मृत्युंजय मंत्र का जप करता रहा करता रहा। इधर यम ने देखा चित्रगुप्तों से बुला करके, अभी किसको लाना है भूलोक से, लिस्ट निकालो, इनका नाम आया मार्कंडेय जी का, अपने दूतों को भेजता है, दूत आकर के प्राण हरण करना संभव नहीं होता है, वो भाग चले जाते हैं। उसके बाद खुद यम आकर के जब पास डालता है, उस समय भयभीत होकर के मार्कंडेय शिवलिंग को छाती से लगा करके महामृत्युंजय का जप करता रहता है। उस समय यम का जो पास था वो इनके भी गले में पड़ा, भगवान के गले में भी पड़ता है, तो उसको खींचने के बाद भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और अपने त्रिशूल से यम के छाती पर मार देता है। उस समय यम का और शिव का संवाद होता है। यम कहता है भगवान आप ही ने इसको 12 साल का उम्र दिया है, आज अंतिम दिन है,
हम किसी को एक क्षण भी आयु नहीं दे सकते हैं, एक क्षण कम भी नहीं कर सकते, एक क्षण ज्यादा भी नहीं दे सकते हैं। जिसका आयु जिस क्षण समाप्त हो जाता है तुरंत उसको हमको ले जाने का आदेश आप ही का है। आपका आदेश का पालन करने वाले मुझे इतना निश्चय निष्ठा से पालन करने वाला मैं एक ही आदमी हूँ आपके सेवकों में, मुझे आप शिक्षा देंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरे क्या दोष है इसमें। भगवान शिव ने कहा, यमराज तुम तो सामान्य नियम तुम जानते हो, आयुष्य समाप्त होने के बाद जीवों को लाना ये तुमको सामान्य नियम मालूम है, लेकिन एक विशेष नियम भी हमारा है शासन, आपने इसको पढ़ा नहीं है। विशेष नियम क्या है? विशेष नियम, जो व्यक्ति जितना समय भगवान के नाम स्मरण में व्यतीत करता है उतनी आयु उनको बढ़ जाती है। वैसे तो अभी 3 दिन इनका आयु बाकी था, उस समय आकर के मंदिर में बैठा है, जब तक मंदिर से बाहर नहीं जाता, 3 दिन बीतता नहीं तब तक उनके ऊपर तुम्हारा शस्त्र का तुमने इसके ऊपर पास डाला, इसलिए मैंने तुमको ये शिक्षा प्रदान किया है। इसके बाद जब कोई मेरा भक्त मेरा लांछन अपने शरीर पर भी धारण किया रहेगा मृत्यु के समय में, तभी उनके पास तुमको जाना नहीं। शिवलांछन क्या है? भस्म है, रुद्राक्ष है, शिवलिंग है। जिस किसी भी व्यक्ति के प्राणी के गले में शरीर पर रहेगा उसके तुम छूना नहीं, उसका प्राण तुम लेने नहीं सकते, उसके लिए हमारे शिवदूत जाएंगे। तब यमदेव ने उसको मान लिया, छोड़ के चला गया। इस प्रकार भगवान शिव ने मार्कंडेय के प्राण बचाने के लिए उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया, मृत्यु को हराया। उस समय भगवान कहते हैं, तुम काल हो, मैं महाकाल हूँ, इसलिए मेरे जो शासन होगा वैसे तुमको चलना पड़ेगा। उसी प्रकार हार करके जब यम चला जाता है तो भगवान मार्कंडेय से पूछते हैं, तुमको क्या चाहिए? मार्कंडेय ने कहा, मेरे माता पिता जो है मेरे अल्प आयु से दुखी है, मेरा लंबा जीवन वो चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा मुझे जिंदा रहना वो चाहते हैं, इसलिए मुझे आप चिरंजीवी होने का मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कर दिया। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, 7 लोग या 8 लोग चिरंजीवी माने जाते हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्तैतान् स्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टकम्, जीवेद् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जो रोग रहित 100 साल जीना चाहता है ऐसे हरेक व्यक्ति को इन चिरंजीवियों का स्मरण करना चाहिए, ऐसे भी शास्त्र में कहा गया है।
तो कौन कौन है? पहला है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा आपको जानते हैं द्रोणाचार्य का पुत्र था। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ उस समय जब कौरव सभी मर गए केवल दुर्योधन बचा था, उस समय अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है पांचों पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पैर में मैं रख देता हूं आज रात में। पांडवों को हत्या करने जाता है लेकिन वहां पांडव नहीं मिलते, उनको मालूम नहीं है उप पांडव, पांडवों के पांच संतान वहां सोता हुआ रहता है। उन्होंने उनको पांडव समझ करके उनके उप पांडव उनके पांडवों के पुत्रों को सिर काट करके ला करके उधर दे देता है। इतना घोर शिशु हत्या पाप वो करता है। तो उस समय पुत्र वियोग में द्रौपदी भी दुखी है, मेरे संतान का वध किया लेकिन ब्राह्मण है इसको वध नहीं करना चाहिए नहीं तो ब्रह्महत्या पाप हमको आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण के विचार से उनके मस्तक पर एक रत्न रहता, उस रत्न को निकाल देता है अर्जुन अपने शस्त्र से। उसकी जो वेदना है उस समय उनको एक कल्पांत पर्यंत अर्थात चारों युग एक बार जब पूर्ण हो जाते उसका नाम कल्प है। तो जिनको भी चिरंजीवी होने का वर मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्प पर्यंत अर्थात कृतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग पूरा हो पर्यंत उनका जीवन जो है सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, बाद में उनका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है ऐसे उनका कहना है। इस प्रकार अश्वत्थामा का जो चिरंजीवी होने का जो मिला था वो शाप के कारण अर्थात पांडवों के पुत्रों को संहार करने के पाप के कारण तुमको उनके माता का जो पीड़ा हो रही है वैसे तुमको भी एक दिन दो दिन करने कल्प पर्यंत तुम उसको पीड़ा का सहन करने के लिए तुमको कल्प पर्यंत जीना पड़ेगा ऐसे उनको शाप मिलता है। इसलिए इस प्रकार वो अत्यंत दुख भोगने के लिए उनको चिरंजीवी होना पड़ा है। दूसरा है बलि, बलि चक्रवर्ती वामन को अपना सर्वस्व दान किया, वो सर्वस्व दान के फल स्वरूप पाताल में चक्रवर्ती राजा बनता है और भगवान विष्णु उनके द्वारपालक हो करके कल्प पर्यंत वो भी चिरंजीवी है, भगवान के सानिध्य में रहने का भाग्य उनको मिला इसलिए बलि भी चिरंजीवी माना जाता है। उसके बाद जो व्यास है चारों वेदों का विभाग किया इसलिए वेद व्यास उनको कहते हैं, 18 पुराणों को लिखा, महाभारत लिखा, भगवद गीता उन्होंने लिख के समाज को दिया है, वो भी इसलिए चिरंजीवी है जब तक संसार में ये जो व्यासपीठ है, हम लोग जो भी कथाकार प्रवचनकार बैठे तो उसको व्यासपीठ कहा जाता है, जो भी प्रवचनकार बैठ करके प्रवचन करता रहता है कोई भी प्रवचन करता होगा उसमें व्यास का प्रवेश अवश्य रहता है इसलिए उसको भी चिरंजीवी माना जाता है। उसके बाद हनुमान, हनुमान को भी राम जी ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था।
इसलिए कि मेरा अवतार समाप्त होने पर भी मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए तो मेरे स्थान पे रह करके चिरंजीव होकर के जो भी संकट में आपका ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, उनका संकट हरण करो, इसलिए उनको संकट मोचन ऐसा नाम भी है। इसलिए तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा लिख करके कहा है, अत्यंत विकट कष्ट परिश्रम में आप हनुमान को चिंतन करेंगे तो आपके कष्टों को आकर के दूर कर दे, इसलिए हनुमान भी चिरंजीवी माना जाता है। एक बार ऐसे ही रामायण की कथा चलती रही, कहते हैं जहां जहां भी कथा होते वहां हनुमान आकर के बैठा ही रहता है। कथा का रामायण के कथा बोलते रहे, उस समय अशोक वाटिका का वर्णन हो रहा था। कथाकार कथा बोलते रहे, अशोक वाटिका में सफेद रंग के बहुत से सुंदर फूल वहां पर खिले थे। जब हनुमान सीता जी को मिलने गया था, ऐसे वो कथा कह रहा था। वो कथा सुनते हुए वहां वेश बदल करके हनुमान बैठा, चिरंजीव हनुमान बैठा था, उठ करके खड़ा हो गया। ओ कथाकार, तुम झूठ बोलते हो, जब हनुमान अशोक वाटिका में प्रवेश किया था उस समय अशोक वाटिका में जो फूल खिले थे वो सफेद रंग के नहीं थे, लाल रंग के थे, ऐसे ये बोल रहा। वो बोले चुप बैठो, तुमको क्या मालूम, कथाकार मैं हूं, तुम तो सुनने बैठे हो, मैं जो बोलता तुम सुनते जाओ। ये उनको दबाता है, वो इनको दबाता है। हनुमान ने सोचा ये मुझे जानता नहीं है, तब अपने स्वरूप में प्रकट करके हनुमान बोलने लगा, देखो हनुमान मैं ही हूं, मैं चिरंजीवी है, इसलिए मैं रामायण सुनने के लिए इधर आया था, लेकिन तुम कथा असत्य बोल रहे हो, सफेद रंग के बोल रहे हो, मैं खुद देख के आया हूं। तो कथाकार बोलता है बैठो, तुम चुप बैठो, तुम हनुमान हो कुछ भी हो, लेकिन मैं जो बोलता हूं वही सच है। दोनों का जो वाद विवाद, खुद हनुमान बोल रहे तो मानने को तैयार नहीं है कथाकार। इन दोनों को झगड़ा दे करके राम जी को वहां आना पड़ा, राम प्रसंग प्रत्यक्ष हो गए, कहने लगे हनुमान से, हनुमान जी ये जो व्यास कह रहा है ना कथाकार, वो ही सच है। उन्होंने आप भी ऐसे उनके पास जाते, मैं सीता ला करके मैं दिया हूँ, मैंने वहां गया था, नहीं नहीं वहां के बगीचा में जो फूल खिले थे सफेदी रहे, लेकिन सीता को वहां देखने के बाद तुम्हारे मन में जो रावण के प्रति क्रोध आया उसके कारण तुम्हारे नेत्र लाल लाल रंग से भर गए, जैसे लाल चश्मा डालने से सब लाल दिखाई देता है, वैसे क्रोधावेश में होने के कारण तेरे नेत्र में लालिमा, रक्त लालिमा ज्यादा होने के कारण तुमको लाल दिखाई दिया, लेकिन वो सफेदी था। बाद में हनुमान ने मान लिया, इसी कारण सबको राम हनुमान का दर्शन भी हो गया, कथा में ऐसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य जहां पर भी कथा होती है वहां हनुमान अवश्य रहता है, क्योंकि हनुमान चिरंजीवी है भक्तों का अनुग्रह करने के लिए। उसके बाद विभीषण को भी चिरंजीवी कहा जाता है। राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी
रावण ने जो सीता का हरण करके ला करके रखा था उसके लिए उन्होंने बहुत बार समझाया था ये ठीक नहीं, सीता जी को छोड़ दो नहीं तो हमारा सारा राक्षस कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो माना नहीं, रावण बाद में रावण मर जाता है। अंतिम समय में उनको पट्टाभिषेक दे करके राम जी उनको आशीर्वाद करते हैं, तुम्हारे भाई के कारण तुम राज्य से वंचित थे, लेकिन तुमने जो धर्म का अवलंबन किया, धर्म मार्ग का अवलंबन करने के कारण तुम चिरंजीवी हो करके इस राज्य सुख का अनुभव करो, ऐसे उनको आशीर्वाद मिला है। उसी प्रकार कृपाचार्य जो कौरवों के विद्या गुरु थे, कौरव पांडवों के किसी पक्ष में न जाकर तटस्थ हो रहे, इसलिए भगवान उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है। उसके बाद परशुराम, उनको भी चिरंजीव होने का आशीर्वाद मिला है। इस प्रकार ये सात लोग चिरंजीवी माने जाते हैं। बताते हैं सप्तयितान स्मरे नित्यम, इन सात लोगों को स्मरण करते हुए मार्कंडेयम तथाष्टमम, आठवां जो है भगवान शिव के कृपा से जो चिरंजीवी हो गया, अर्थात शिव भक्ति के द्वारा हम अपने आयुष्य को वृद्धि कर सकते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण जो है मार्कंडेय है। इसलिए नीति शास्त्र में कहा जाता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमारे भारतीय संस्कृति में नमस्कार का बड़ा महत्व है। दो व्यक्ति आमने सामने आने के बाद परस्पर नमस्कार करते हैं, बड़े व्यक्ति आने के बाद छोटा व्यक्ति पैर छू करके नमस्कार करता है। माता को नमस्कार करना, पिता को नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, प्रातःकाल में संध्या काल में दिया लगाते समय घर में जो भी हमसे ज्ञान से उम्र से बड़े होते हैं उनको नमस्कार करके उनको आशीर्वाद लेने की परंपरा है। इससे क्या होता है, आयुहु आयु की वृद्धि होती है। ऐसे भगवान को, गुरु को, माता पिता को रोज श्रद्धा से नमस्कार करने वाले व्यक्ति को अपमृत्यु नहीं होती है, पूर्ण आयुष्य होता है। जिस विद्या को सीखना चाहता है उस विद्या में उसको प्रगति होती है और शारीरिक मानसिक बल उनको मिलता है। इतना ही नहीं, अपने विद्या के कारण उनको दस दिशाओं में कीर्ति उनके फैल जाती है। इसलिए केवल नमस्कार करने से हमारा आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। इसी को सिद्ध करने के लिए मार्कंडेय महर्षि ने भगवान को नमस्कार करके उन्होंने जो जप किया वो मृत्युंजय जप। आजकल हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन कैसे मनाना ये हम लोग भूल गए। पाश्चात्य पद्धति से हम लोग एक बहुत बड़ा केक लाते हैं, उसमें जितने उम्र होता उतने उम्र के मोमबत्ती उसमें जलाते हैं, उसके बाद फूंक मार करके मोमबत्ती जला डालते हैं, उसके बाद खुशी खुशी से केक खा करके जन्मोत्सव मनाते हैं। ये अत्यंत निकृष्ट पद्धति का जन्मोत्सव है। इस प्रकार जन्मोत्सव बनाने का नहीं, हमारे संस्कृति दीप जलाने का है, दीप बुझाने का नहीं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जला गए मोमबत्ती को फूंक करके दीप बुझा देते हैं, कितना उल्टा हो गया, अर्थात अपने आयु कम खुद कम कर लेते हैं। जितना उम्र आपका हुआ हो उतने घी के बत्ती जो है भगवान के सामने जला करके आरती करो। साथ ही साथ उस दिन मार्कंडेय की पूजा करो, क्योंकि चिरंजीवी है, आप अपने बच्चों को चिरंजीवी बोलते हैं, ये बोले के फैशन है, चिरंजीवी कहाँ होता है। तो चिरंजीवी का आशीर्वाद मिलने के बाद हमारा बच्चा चिरंजीवी हो सकता है, इसलिए मार्कंडेय ऋषि की पूजा करके, महामृत्युंजय जप के कारण मार्कंडेय जब चिरंजीवी हो गया, उसी महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। खुद करो या नहीं जानते किसी जप करने वाले पंडित को, शिवाचार्य को, स्वामी जी को लगा करके मृत्युंजय मंत्र का जप करके, भगवान का भक्ति करके, भजन करके, चार लोगों को अच्छे भोजन खिला करके, उनको संतुष्ट करके तुम अपना जन्म जन मनाओ, तब तुमको चिरंजीवित्व प्राप्त होता है। इसलिए मार्कंड महर्षि ने संसार के लिए दीर्घायुष्य और निरोगी होने के लिए दो वस्तु भगवान मार्कंडेय ने हमें दिया है, एक दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय के द्वारा मार्कंडेय पुराण में आता है, उन्होंने दुर्गा समस्त जीवों के दुर्गति नाश करने वाले भगवती के स्तुति के रूप में 700 श्लोकों में लिखा है, उसको दुर्गा सप्तशती नाम से प्रसिद्ध है। तो माता पिताओं का आशीर्वाद चाहिए, हमारे माता पिताओं के साथ जो जगत का माता पिता है, जगत का माता दुर्गा है, जगत का पिता भगवान शिव है, इसलिए माता की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का उन्होंने रचना करके दिया है। और खुद मृत्युंजय महामंत्र का खुद आविष्कार करके दिया है। इस प्रकार मार्कंडेय महर्षि खुद अजर और अमर भी हो गए, और अमर होने का एक सुंदर मार्ग जो है हम लोगों को उतना कल्प पर्यंत रहने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम कलयुग का जो आयु का जो नियम है, जो शतायुर्वै पुरुषा कहा जाता है, उतना आयु और निरोगी आयु लेकर के चार पुरुषार्थों का साधन करने के लिए जीवात्मा प्रयत्न करेगा तो एक ही जन्म में चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। धर्म की प्राप्ति कर सकता है, अर्थ की प्राप्ति कर सकता है, काम को प्राप्त कर सकता है, बाद में मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्राय हमको देखने को मिलता है धर्म अर्थ काम में ही रुक जाता है, आगे गति उनकी होती नहीं है। इसलिए मार्कंडेय के और भगवान शिव दुर्गा के कृपा से एक ही जन्म में चारों पुरुषार्थों को अनुभव करके जीवन मुक्त होने का जो सुअवसर है वो भगवान के मृत्युंजय लीला श्रवण करने से हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज भगवान शिव का जो मृत्युंजय लीला है, मृत्यु के ऊपर विजय करने वाला भगवान शिव की लीला को सुनने का सुअवसर हम सब लोगों को मिला है। जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव का एक स्तोत्र किया, चंद्रशेखर अष्टकम, आज उसका श्रवण करना अत्यंत महत्व के मानते, इसलिए हमारे मल्लिकार्जुन शास्त्री जा करके
और मार्कंडेय द्वारा विरचित जो चंद्रशेखर अष्टक है, अर्थात जो भगवान के भक्ति में रहेगा उसको यम कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसे जो भाव का जो श्लोक है उसको पठन करने के उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सबको यहाँ से प्रस्थान करना है। ये जो मार्कंडेय ने जहाँ पर मृत्युंजय का जप किया था उस स्थान का नाम कैथी, काशी से 30 किलोमीटर दूरी पर गंगा और गोमती नदी के संगम में वो मार्कंडेश्वर महादेव है। कहा जाता है कि मार्कंडेय प्रति दिवस उसकी पूजा करने के लिए आज भी आता है, ऐसे एक प्रसिद्धि है। रात में पूजा करके सारा बेल पोल सब निकाल करके ताला बंद करते हैं, तो सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में जब उसको निकालते दरवाजा खोलते हैं उस शिवलिंग के ऊपर बेल पोल चढ़ा हुआ मिलता है, ऐसे आज भी लोग कहते हैं। तो हमारे भी इच्छा हो गए, हम सब आ रहे हैं विद्यार्थियों को लेकर के, परसों ये समाप्त होने के बाद कैथी में जा करके जहाँ पर गोमती गंगा का संगम है, जिस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हो करके यम को दंडित करके मृत्युंजय लीला किया था, उस स्थान को हम लोग देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे इतना ही नहीं, हमारे प्रवचन जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं आप लोगों को भी हमारे फेसबुक के माध्यम से सबको दर्शन भी कराने की व्यवस्था करेंगे। अब चंद्रशेखर अष्टका स्तोत्र मल्लिकार्जुन शास्त्री करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। अथ चंद्रशेखरष्टकम्। चंद्रशेखर 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 पाहि माम। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। रत्नसानुशरासनम रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानलसायकम्। क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम्। भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्। देवसिन्धुतरङ्गशेखर सिक्त
रक्तशुभ्रजटाधरं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मम यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेबरं क्ष्वेलनीलगळं परश्वथधारिणं मृगधारिणं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलं वृषवाहनं नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभव भुवनेश्वरम् अंधकांतकमाश्रितामर पादपं शमनांतकं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष भक्तवत्सलमर्पितं निधिमक्षयं हरिदंबरं सर्वभूतपतिं परात्परम प्रमेयमनुत्तमं सोमवारुण भूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां मृत्युभीतमृकण्डुसुकृतस्त स्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरं चंद्रशेखर एव तस्य दधाति मुक्तिमयत्नतः चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर चंद्र चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर पाहि मां चंद्रशेखर रक्ष मां चंद्रशेखर पाहि मां चंद्रशेखर रक्ष मां जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर।
श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेश जाताय विश्वादेवेजाय श्री विश्ववन्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चरवृंदवन्याय मंगलम वर चरणे ते बोधाय गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभंगाय मंगलम शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम भवमांगलांगाय शिवपिंगचूडाय कवितुंगसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाश प्रमोचाय श्रेष्ठाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं ह्रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनातनातं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिंगसंभूतं आज विशेष रूपेण उपाध्याय दिनोत्सव के निमित्त में श्री काशी जगद्गुरु महास्वामी जी को मटके व्यवस्थापक आरके स्वामी उनके दंपति के उनके परिवार के साथ जगद्गुरु महास्वामी जी को मालार्पण किए हैं। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर महादेव हर श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यं जय मंगलं जय हर नमः पार्वती सहस्रवृतांगुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं
सदा मृतत्वशेषानः यदन्नेन तिरोहते।